नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ये सर्कल कटिंग पेपर का GSM किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, बहुत जन इंक्वायरी करते हैं जैसे GSM कैसे निकालेंगे, कितना पीस आएगा, कैसे कॉस्टिंग आएगा हमारा प्लेट बनाने पर, तो आज हम आपको इसमें बताते हैं। आइए, सबसे पहले आपको लेना है, ये फॉर्मूला है साइज इंटू GSM होल डिवाइड बाई 1550। ये पेपर प्लेट अगर आप बनाते हो तो ये फॉर्मूला आपको लगेगा। ठीक है, जैसे कि समझ सकते हैं कि साइज इंटू GSM अगर हमने निकाला है तो जैसे सोच लीजिए कोई भी साइज होगा तो उसको चकोर टाइप में हम लोग को लेना है। ये रेडियस है, 1000 पीस का रेडियस लेते हैं हम लोग, लेंथ ब्रेथ हाइट एंड GSM के साथ में लेकर इसको फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ साइज इंटू GSM होल डिवाइड बाई 1550 रेडियस लिया गया है, तो हम लोग अगर निकालेंगे तो आपको ये 12 इंची का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 12 इंटू 100 GSM का पेपर यूज़ करते हैं, तो GSM लिख दिए 100 होल डिवाइड बाई 1550। तो देखिए 9.29 पर केजी आया, मतलब यहाँ लिखते हैं 12 इंटू 100 GSM डिवाइड बाई 1550, तो आपका 9.29 प्रति 1000 पीस के लिए ग्रॉस वेट आया है, ग्रॉस वेट। ठीक है, अब ये ग्रॉस वेट के बाद हम लोग करते हैं नेट वेट निकालना अपने को, नेट वेट। तो नेट वेट में क्या करेंगे, तो ग्रॉस वेट ले लेंगे डिवाइडेड बाय 23%, मतलब परसेंट 23% वेस्टेज होता है, ग्रॉस वेट डिवाइड बाय वेस्टेज माइनस वेस्टेज। ठीक है, तो हम लोग का नेट वेट आ जाएगा। तो नेट वेट जो सर्कल निकालने के काम आता है, सर्कल, तो हम लोग इसको निकालते हैं। तो ग्रॉस वेट अपना कितना था, 9.29, तो 9.29 माइनस 23% वेस्टेज। वेस्टेज किस लिए बोलते हैं, जैसे चकोर शीट से हम लोग काटते हैं तो हमारा ये रेडियस जो कटता है, 1, 2, 3, 4, ये जो साइज कट रहा है, ये 23% वेस्टेज निकलता है। ठीक है, तो 9.29 का वेस्टेज अगर करते हैं तो आप देख लीजिए 9.29 माइनस 23% वेस्टेज कितना आया, 7.15। तो ये अगर हम फॉर्मूला वाइज में करेंगे तो 7.15 वेस्टेज हुआ हमारा। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, नेट वेट कितना हो गया, 1000 पीस के लिए राउंड सर्कल में 7.15 kg। यहाँ कितना था ग्रॉस वेट, 9.29 kg, और यहाँ नेट वेट कितना हुआ, 7.15 kg। अब इसमें समझिएगा, हम लोग को तो मटेरियल खरीदना है नेट वेट में, तो जब भी आप मार्केट में खरीदने जाते हैं प्रोडक्ट, तो आपको नेट वेट में रेट मिलेगा। ठीक है, तो आप जब सर्कल लेंगे, एक सर्कल जब लेंगे केजी में, तो आपको नेट वेट पड़ रहा है 7.15 kg फॉर 1000 पीसेस। कौन सा प्रोडक्ट, 100 GSM का कोई भी प्रोडक्ट हो, याद रखिएगा GSM के अनुसार 100 GSM में कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करिए वही रहेगा, चाहे केला पत्ता हो, चाहे साल पत्ता हो, चाहे सिल्वर हो। ठीक है, अब 1000 पीस को सीधा सिंप्लीफाई करके आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1000 डिवाइड बाय 7.15, तो आपको पता चल गया ये पीसेस कितना लिखा, 139 पीसेस दिखा रहा है यहाँ। तो आप हम पहले इसको लिख लेते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 7.15 kg इजिकल टू 139 पीसेस। बट ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये फॉर्मूला जो है क्राफ्ट पेपर का फॉर्मूला होता है, जिसमें हमारा गम, फिल्म और बोर्ड का जो गेज होता है उसको लेकर बनाया जाता है। तो बोर्ड का जो ये था साइज़ का, ये बोर्ड का इंक्लूडिंग यहाँ हो गया, गम और फिल्म का अप्रॉक्सीमेटली बहुत जगह यूज़ होता है, 5 माइक्रोन, किसी का गम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, प्लस माइनस होता है, तो इसके लिए आपका ये जो पीसेस है वेरी करेगा। तो हम लोग यहाँ इसको 12 इंची के लिए 139 पीस पकड़े हैं, लेकिन आप 130 पीसेस अप्रॉक्सीमेटली पकड़िएगा 1 kg में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कोई भी साइज, जिस प्रकार से मैंने फॉर्मूला बनाया है, इस प्रकार से जैसे सोच लीजिए आपको 180 GSM का चेकिंग करना है, तो आप वही सिंपल सिस्टम करिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ कैसे बनेगा। 12 इंटू 12 जो सेम है, इंटू 180 GSM, सिर्फ ये चेंज हुआ, डिवाइड में 1550 सेम रहेगा, 1672 आपका आया क्या, यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ, 1672 आया ग्रॉस वेट। ठीक है,
अब आपका नेट वेट निकालने के लिए 1672-23% नेट वेट कितना आया, 1287 नेट वेट। अब आपको जैसे भी अगर रोल में आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको रोल से 1000 में डिवाइड कर दीजिए, 1000 डिवाइडेड बाय रोल में, और अगर राउंड में कर रहे हैं तो नेट वेट निकाल रहे हैं तो इस तरह सिंपली फॉर्मूला में निकाल लीजिए। तो आप देखिए 1000 डिवाइड बाय 1287, देखिए 77 पीस ये दिखा रहा है 180 GSM का, तो एग्जैक्टली ये समझ में आ रहा है कि 177 पीस आपका ये निकलेगा। अगर आप रोल में निकालते तो 16000 डिवाइड बाय 1672, देखिए 59 पीस दिखा रहा है, पीसेस का गैप भी हो रहा है, दोनों सेम प्रोडक्ट लेकिन ग्रॉस वेट है। ग्रॉस वेट में आपका वेस्टेज निकलता है 23%, जो कि मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला में समझाया था, 23% वेस्टेज के बाद आप नेट वेट निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से ही निकलेगा आपका ग्रॉस वेट माइनस 23%। तो इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट हो कभी भी हो इसी हिसाब से आप करेंगे। और एक चीज़ है, जैसे आपको साइज छोटे साइज में बनाना है तो आप 6x6 लीजिए, जो भी रहेगा इक्वल रहेगा, 6x6, 7x6, 7x7, 8x8 इक्वल रहेगा, और जो भी प्रोडक्ट लेंगे दोनों का सिमिलर साइज बैठेगा, क्योंकि हम इधर चकोर में इसको लेकर काउंटिंग कर रहे हैं रेडियस को, ठीक है। ये इसका 1550 का रेडियस का फॉर्मूला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।